Students, my name is Ashish, and today we are going to study the class 11th chapter number 9, To the Skylark, the question answers of this chapter. So let's begin the question answers of this chapter, and our first question is, why is Shelley not able to define the Skylark? क्यों Shelley इतनी बड़ी poetry लिख गए लेकिन वो Skylark को define नहीं कर पाए? How does the Skylark exceed the capacity of human language? कैसे Skylark जो है वो जो मानव है उसकी language से परे हो जाती है, to describe its qualities, कि मानव उसकी qualities को explain नहीं कर पाता है, और the qualities of its song, या फिर इसके song की quality को वो explain नहीं कर पाता है. So let's start the answer. Shelley finds himself unable to define the Skylark exactly. Shelley अपने आप को पाते हैं कैसी situation में जहाँ वो Skylark को exactly वो है क्या वो define नहीं कर पाते हैं. It is because the Skylark is not seen, क्योंकि Skylark दिखाई नहीं देती है. It is carefree and light-hearted bird, ये बहुत ही carefree है, जिसको किसी बात की चिंता नहीं है, light-hearted, बिल्कुल खुले दिल वाली पक्षी होती है. Without any physical frame, और अगर हम इसको physical frame देना चाह रहे हैं तो वो एक बस में नहीं है इंसान के. It has a tremendous and spontaneous overflow of his song. बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन इसके गाने का जो फ्लो है वो रहता है. Which creates mysteries in the mind of the poet, जो कवि के दिमाग में mysteries create करता है. Its song overpowers the whole universe, और इसका जो संगीत है, इसका जो music है, जो गीत है, वो overpower कर जाता है, जीत लेता है पूरे universe को, पूरी संपूर्ण ब्रह्मांड को. So it was Skylark. Question number 2 है आपका, why does the poet use the similes in the place of direct definition? अलग अलग तरह के similes का, या फिर ऐसा हम कहें कि ना अलग अलग रूपों में जो है define करना चाहता है poet उसे, बजाय किसी एक particular definition देने के. Do they adequately describe the Skylark? क्या कभी success हो पाया Skylark को define करने में? तो हम आंसर देते हैं, इन अ प्लेस ऑफ डायरेक्ट डेफिनेशन द पोएट यूजेस द सिमिलीज. डायरेक्ट कोई डेफिनेशन तो नहीं देता है कवि, उसके बजाय अन्य शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे ब्लिथ स्पिरिट है ना, हमने पढ़ा था पोएट्री में, अनबॉडीड जॉय, एक ऐसा है ना आनंद जिसकी कोई बॉडी नहीं है, उस संगीत का कोई बॉडी नहीं है. दीज सिमिली एग्जैक्टली सूट द Skylark, ये सिमिलीज Skylark को सूट करते हैं, उसके लिए ही बने हैं. इट इज़ बिकॉज इट सिंग्स स्पॉन्टेनियसली, क्योंकि वो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार गाती है. इट इज़ अबव ऑल केयर एंड फेयर, उसे ना किसी चीज़ का डर है, ना किसी चीज़ की चिंता है. इट इज़ हाइडली विजिबल, ये इतनी ऊपर आकाश में उड़ता है पक्षी कि वो विजिबल भी नहीं हो पाता है. स्टिल इट सूथेस द होल वर्ल्ड, फिर भी उसका जो संगीत है वो पूरी दुनिया को आराम पहुँचाता है, आनंद पहुँचाता है. और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, What prevents the poet from singing like the Skylark? क्या चीज़ कवि को रोक लेती है कि वो Skylark की तरह गा पाए? Why is the Skylark song is better than even the best production of human genius, language and emotion? क्यों Skylark का जो संगीत है वो पूरी मानव ने आज तक जो कुछ बनाया होगा, जो जीनियस तरीके से भी बनाया होगा, उससे भी बेहतर है. The poet feels that he cannot sing like Skylark. पोइट को लगता है क्योंकि वो Skylark की तरह नहीं गा सकता है. बिकॉज बींग अ ह्यूमन, क्योंकि वो एक मानव है. ही इज़ फिल ऑफ वाइसेस लाइक हेड, उसके अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, जैसे नफरत, घमंड, डर, विच प्रिवेंट हिम टू कम्पोज विथ Skylark, कम्पीट विथ Skylark, जो उसे Skylark से कम्पीट करने से रोक देती है. इट इज़ ह्यूमन नेचर दैट वी लुक बैक एंड फॉरवर्ड एंड फील सैड, ये तो मानव का जो है नेचर है कि हम पास्ट को देखते हैं, फ्यूचर को देखते हैं और दुखी होते हैं. फॉर व्हाट वी हैव नॉट, जो चीज़ हमारे पास है नहीं उसके लिए दुखी होते हैं. द बर्ड इज़ अबव ऑल दीज फीलिंग्स, और एक पक्षी इन सारी फीलिंग्स से ऊपर है. अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोइट कॉल द Skylark सॉन्ग अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट? क्यों ये शब्द के साथ में पोइट जो है Skylark के सॉन्ग को अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट कहता है? The poet calls the Skylark song unpremeditated art because it flows spontaneously with varying mood. Unpremeditated art का मतलब है जिसे पहले से निर्धारित ना किया गया हो, या बनाया या सीखा ना गया हो.
पोइट स्काईलार्क के गीत को कहता है कि तुमने ये कुछ पहले से सीखा नहीं है, ये तो स्पॉन्टेनियसली अचानक रूप से मूड के ऊपर है कि आपने इतना बेहतरीन सॉन्ग गा डाला। इट हैज़ अ ट्रीमेंडस काइंड ऑफ अ जॉय, इसमें एक बेहतरीन आनंद है एंड फ्रीडम और एक आज़ादी है विच इज़ नॉट पॉसिबल विथ प्री प्लान्ड आर्ट, और ये प्री प्लान्ड आर्ट के अंदर महसूस नहीं होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th, वाई डज द पोइट कंपेयर द स्काईलार्क्स फ्लाइट टू एन अनबॉडीड जॉय, क्यों पोइट कंपेयर करता है स्काईलार्क की उड़ान को एक ऐसे आनंद से जिसका कोई शरीर नहीं है। द स्काईलार्क्स मेलोडियस नोट रिसाउंड्स एन इको इन द होल अर्थ, स्काईलार्क का जो मधुर संगीत है ना वो इको बनकर पूरी धरती पे गूंजता है एंड एयर हवा में भी, बट द बर्ड इज़ नॉट विजिबल, लेकिन पक्षी दिखाई नहीं देता है एनी वेयर कहीं भी। एज इट फ्लाइज हायर एंड हायर, ये जैसे और ऊंचा उड़ता जाता है, स्टिल इट्स प्रेजेंस इज फेल्ट समवेयर नियर बाय, है ना, ये और आकाश में रहता है, दिखाई भी नहीं देता, लेकिन उसकी प्रेजेंस को उसके संगीत द्वारा महसूस किया जा सकता है। सो द पोइट कॉल्स इट फ्लाइट एज एन अनबॉडीड जॉय, इसीलिए कवि उसकी उड़ान को अनबॉडीड जॉय कहता है। Why does the poet compare the loud voice of the bird with rain? Why is the skylark song called Rain of Melody? क्यों poet compare करता है उसकी ऊंची आवाज़ को, पक्षी की ऊंची आवाज़ को बारिश से, क्यों वो skylark के गीत को Rain of Melody, मधुरता या मधुर संगीत की बारिश कहता है। As the musical notes of the bird seem to be falling direct from heaven spontaneously, क्योंकि वो आकाश में पक्षी उड़ रहा है, आकाश में स्वर्ग होता है ऐसा हम मानते हैं, तो जैसे स्वर्ग से कोई है ना अमृत वर्षा हो रही हो, वैसे ही आसमान से आता हुआ वो संगीत, उसे कहा जाता है कि एक बारिश हो रही है मेलोडी की, मेलोडी वो चॉकलेटी मेलोडी नहीं, मेलोडी मतलब मधुर संगीत। एंड सोर इन द होल एटमॉस्फेयर सो द पोएट फील इट इज़ लाइक रेन, और एक पूरे वातावरण में वो संगीत फैल गया है तो कवि उसे एक बारिश की संज्ञा देता है या कहता है ये बिल्कुल बारिश समान है। द मेलोडी ऑफ स्काईलार्क पोर्स जॉय एंड नेचुरल फ्रीडम, जो मेलोडी ऑफ स्काईलार्क है, जो स्काईलार्क की जो ये मधुर संगीत है वो एक वो क्या फैला देता है पूरे वातावरण में, एक फ्रीडम एक आनंद फैला देता है। देर इज़ नो शेड ऑफ सैडनेस नियर इट, और उस संगीत के आगे कोई भी दुख का जो है वो शेडो या परछाई नहीं है। सो द पोइट कॉल्स इट्स रेन ऑफ मेलोडी, इसीलिए कवि उसे रेन ऑफ मेलोडी कहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लाइन्स 36-55 द पोइट कंपेयर्स द बर्ड सॉन्ग विद सर्टेन थिंग्स, नेम द थिंग्स। 36वीं लाइन से लेकर 55वीं लाइन तक बर्ड के सॉन्ग को कवि कई चीज़ों से कंपेयर करता है, क्या आप उन चीज़ों की लिस्ट बना सकते हैं? तो ठीक है, हम बना देते हैं। पहला है अ पोइट हिडन इन द लाइट ऑफ थॉट, वो सबसे पहले उसके संगीत को कहता है कि जैसे कि कोई कवि है ना सोच की रोशनी में डूबा हुआ छिपा हुआ सा है, उससे वो कंपेयर करता है। अ हाई बोर्न मेडन है ना, वो उसे एक ऐसी महिला एक ऐसी स्त्री से कंपेयर करता है ना जो ऊंचे घराने कुल घराने में ऊंचे है ना कुल में पैदा हुई है। अ ग्लो वार्म गोल्डन इन अ डेल ऑफ ड्यू है ना, और जैसे कि एक ओस की बूंद पे सूरज की रोशनी चमकती है तो वो किस तरह से जगमगाता है वैसा। अ रोज़ एम्बॉर्ड इन हिज ओन ग्रीन लीव्स, एक अपनी पत्तियों में से खिला हुआ रोज़, इस तरह से बहुत सारी चीज़ों से उसे कंपेयर किया है। आर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट डज द पोइट आस्क द बर्ड टू टीच हिम, कवि क्या सिखाने के लिए पक्षी से कहता है कि कवि क्या सीखना चाहता है पक्षी से। द पोइट आस्क द बर्ड टू टीच एटलीस्ट हाफ ऑफ द ग्लेडनेस दैट द बर्ड्स ब्रेन पजेसेस, कवि चाहता है कि जितनी तुम्हारे दिमाग में खुशी है उसकी आधी मुझे दे दो। द पोइट हैज़ अ विश टू इमोर्टलाइज द बर्ड सॉन्ग, कवि चाहता है कि बर्ड के सॉन्ग को है ना अमर कर दिया जाए एंड मेक द वर्ल्ड फील द जॉय, और पूरी दुनिया उसके जॉय को महसूस करे। दैट द बर्ड पोर्स एज द पोइट इमेजिन्स एंड इन्जॉयस, और जितना कवि इन्जॉय कर रहा है उसके गीत को पूरी दुनिया उस गीत को इन्जॉय करे। और लास्ट क्वेश्चन लास्ट टू क्वेश्चंस, व्हाट डज द पोइट लेमेंट अबाउट द मोटल्स, जो कवि है किस चीज़ पे दुख जता रहा है या विलाप जता रहा है, मोटल्स यानी कि जो लोग मरणशील यानी कि सारे मानव हैं उनको लेकर क्या दुख जता रहा है। द पोइट इन नो वे फील्स ह्यूमन बींग्स टू बी नियर द ग्रेटनेस ऑफ द बर्ड, कवि इंसानों की महानता को है ना इस पक्षी की महानता के आगे कुछ भी नहीं समझता है,
इट इज़ बिकॉज वी हैव बिकम अ प्रे टू वाइसेस, क्योंकि हम बुराइयों के शिकार बन चुके हैं, जैसे नफरत, घमंड, डर. वी लुक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, हम आगे देखते हैं, पीछे देखते हैं, और हम दुखी होते हैं उस चीज़ के लिए जो हमारे पास है ही नहीं. द बर्ड इज़ फ्री फ्रॉम ऑल दीज वॉइसेस, पक्षी इन सारी वॉइसेस से, इन सारी चीज़ों से आज़ाद है. एंड इट इज़ ग्रेटर देन अस, और वो इसीलिए हमसे महान है. वॉट डज द पोइट विश फॉर हिमसेल्फ इन द लास्ट स्टांजा, पोइट किस चीज़ की विश करता है हमारे लिए, है ना, आखिरी स्टांजा. In the last stanza of the poem, the poet makes a request to the bird to teach even half of his gladness. आखिरी stanza में poet उम्मीद करता है, request करता है कि पक्षी अपनी खुशियों की जो उसके brain के अंदर है उसके आधा उसे सिखा देगा. He wishes that the harmonious madness of the bird should ever flow. वो चाहता है कि जो पक्षी है उसकी harmonious madness जो है वो हमेशा फैलती रहे, बहती रहे उसके संगीत के रूप में. The poet's lips so that the whole of the world would listen. कि कवि के मुँह से ही सही लेकिन पूरी दुनिया उस संगीत को, उसके जॉय को सुन सके. And enjoy it is the poet is listening and enjoying. और ऐसे ही enjoy कर सके जैसे poet सुन रहा है और enjoy कर रहा है. So these were the question answers of this chapter. Thank you for watching.